अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप स्टूडेंट? उम्मीद है इंशाल्लाह आप बफजले ताला खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं की मुझे अशद ज़रूरत है। आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मेरे हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, तो आपसे दुआ है कि आप हम सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिए। बल्कि जो भी उम्रा करने जाए, हज करने जाए, या नमाज, या जो भी आपकी इबादत हो, उनमें मुझे और मेरी फैमिली और बच्चों बच्चियों को सबको ज़रूर दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला जो दुआएं आप मेरे हक़ में करेंगे या करते हैं, वो अल्लाह ताला आपके लिए भी हज़ारों में मल्टीप्लाई करके कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आपको ओल्ड कैनवस को रीयूज़ करने का तरीका बताएंगे कि कैसे रीयूज़ किया जाता है। आप ये देखिए, ये एक यूज कैनवस था, ये क्लास का ट्यूटोरियल दिया था, ये उसका वो कैनवस है, इसको हम रीयूज़ करेंगे और इस पर खूबसूरत सी एब्स्ट्रैक्ट कैलीग्राफी बनाएंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास कलर्स काफ़ी सारे होंगे, मैं साथ साथ बताऊँगा। ब्लैक, स्काई ब्लू, वाइट, ऑकर, करेंटली ये तो है, और ग्रे। ग्रे मैं बनाऊंगा ब्लैक और वाइट से। तो आ जाए फिर जी। तो ये मैंने स्काई ब्लू कलर से इसको बैकग्राउंड शुरू की है। पहले तो नॉर्मली हम ग्रे और ब्लैक से कैनवस को रीयूज़ करते हैं, लेकिन इस मरतबा मैंने स्काई ब्लू को वाइट के साथ थोड़ा लाइट करके, तो उसमें हमने ये कैनवस को इतने डार्क कलर्स पे, इतनी डार्क बैकग्राउंड पे जो ऑलरेडी कलर्स अप्लाई हुए हैं वो काफी डार्क है, तो सर आप इतना लाइट कलर कैसे लगा रहे हैं ना? ये जो कलर होते हैं ना, ब्लू कलर जो होता है, जब आप इसमें थोड़ा सा व्हाइट की अमेजिश करते हैं ना, मिक्स करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हद तक कवर कर लेते हैं। आप ये देखिए, और मैं इसको थोड़ा सा जंगल नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें वाइट के अफेक्ट्स भी देता रहूँगा। और यहाँ से हमें जो है ना ग्रे, वो इस तरह से यूज़ करना है कि इसका पता ना चले कि कहाँ से ग्रे यूज़ हुआ है। ठीक है, और आप ये देखिए, अब यहीं से मैंने ब्रश को साफ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देखिए यही से मैंने, लेकिन इसी ब्लूइश, ये जो ग्रे है ना, ये ब्लू वाला ब्रश ही मैंने इसमें यूज किया। बाकी सब कलर्स आपने ऐसे लिया जिनको लाइक कोई हम सोच नहीं सकते इतनी जल्दी से जो है ऐसी पेंटिंग पे अप्लाई करने का जिन पे कोई भी कलर पहले लगे हो, स्पेशली इतने डार्क कलर जिनमें रेड और ब्लैक आ जाते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन आप देख लेना, आज से आपको ये पता होना चाहिए। सर आपने इस समस्या का भी समाधान कर दिया। सर आपको पता है ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता था, हाउ टू रीयूज दिस कैनवस, एनी ओल्ड कैनवस। सॉरी, ये देखिए, इसको आपने थोड़ा सा इस तरीके से यूज करें। सर आपको पता है ओल्ड कैनवस को कैसे रीयूज करते हैं स्टूडेंट्स? सर उसके ऊपर पहले जैसो लगाते हैं। ओ माय वर्ड, ओ माय, देन उसके ऊपर पेंट करते हैं। सर ओ नहीं, कुछ नहीं करना, बस ऐसे कलर्स लेने हैं जो कवर करने वाले हो, जिनसे आप और अगर सर कोई कलर कवर नहीं कर रहा तो उसमें व्हाइट ऐड कर, उसमें व्हाइट या ब्लैक ऐड कर। ये खास तौर से एक बड़ा इसमें वो जो है ना अच्छा एक कलर इस वक्त बन जाता है जब ब्लैक या वाइट के साथ आप कोई। सर जहाँ तक आपने कलर अप्लाई किया है, ऑनेस्टली ऐसा नहीं लग रहा कि नीचे कोई कलर लगा जी, बिल्कुल ये नहीं लगेगा अभी बेटी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। और सर सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, लाइक मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कह रही हूँ, मुझे पता स्टूडेंट्स भी यही कहेंगे कि हमें सबसे अच्छी चीज यही लगी कि आपने डायरेक्ट इसके ऊपर कोई ब्लैक कलर या कोई डार्क कलर अप्लाई नहीं किया कि बस यही तरीका है इसको यूज करने का। आपने जो तरीका बताया वो काफी यूनिक है। हर किस नहीं, आप ये देखे ना, अब हम आगे ऑकर पे, ये देखिए, और ये है भी आपको पता है ट्रांसपेरेंट, सबसे ट्रांसपेरेंट भी, और ये कलर स्कीम क्या है ना आपको पता है? सर मुझे पता है क्या स्काई, ये सर आपकी फेवरेट।
ये ना सर आपके यूएस के स्टूडेंट्स कहें देखेंगे तो वो मस्ट कमेंट करेंगे। अगर वो यहाँ तक वीडियो देखेंगे तो मस्ट कमेंट कीजिएगा सर आपकी फेवरेट कलर्स की। हाँ जी वो तो करते हैं, मुझे पता है कौन कौन करेगा, मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं ले सकता, सर मैं खुद भी मेंशन कर रही हूँ। हाँ अच्छी बात है। तो अब मैंने ओकर में वाइट मिक्स किया है और उसके साथ मैंने ये बैकग्राउंड जो है ना ये बना दी है ताकि आप देखिए क्योंकि हमारे पास लाइन कवर और ब्लू सब कुछ कवर हो गया। हाँ जी हमारे पास एक्चुअली इसमें इतना बेटी टाइम भी होता कि हम इसको बहुत ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं बहुत ज्यादा आराम आराम से बनाए। कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स इसको यानी उतना ही जितना उन्होंने डेढ़ दो मिनट तीन मिनट देखना होता है उसमें उनके लिए ना कुछ ऐसा कर दे कि वो अपना जो है ना काम वो अच्छे से कर रहे हैं। तो हालांकि मैं भी का वो होता है मेरा तो मुझे तो वॉच टाइम वो मिलना होता है व्यूअर्स चाहिए होते हैं वो मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाते हैं लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ ऐसा कंटेंट बना दूं कि जो जनाब उनके लिए हेल्पफुल हो और वो अच्छे से उससे फ़ायदा उठा सके। अब ये बड़ा हेल्पफुल कंटेंट है जिसमें आप कैनवस को रीयूज करते हैं और कलर्स ऐसे यूज़ करते हैं जिनमें आप लाइट कलर की सिलेक्शन करते हैं। सर मुझे मुझे इंस्टाग्राम पे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना तो ज़्यादातर वो यही पूछते हैं लाइक वो कलर शेयर करके इनफैक्ट सर उन्होंने बिल्कुल लाइट लाइट कलर्स अप्लाई किए होते हैं उसके बावजूद भी वो यही पूछते होते हैं कि हम इसके ऊपर सिर्फ ब्लैक ही करें या कोई और कलर अप्लाई करें। तो खैर फिर मेरी कोशिश यही होती है कि जितना मुझे पता है मैं उनको बता दूँ। आप बस ये आप कर दिया करें कि जो भी स्टूडेंट ये करे ना जैसो नहीं अप्लाई करना जैसो जिसे कहते हैं ना इमेशन वो सेकंड कोट नहीं लगाना आप बिल्कुल कोई ऐसा जो है ना कि वो आपके पास सेकंड कोट का काम प्लीज़ वो ना करें प्लीज़ वो बहुत ही ज़्यादा जो है समझ नहीं आपकी पेंटिंग हानिकारक होता है पेंटिंग के लिए। पेंटिंग क्रैक हो जाती है आपकी पेंटिंग के टूटने की एक वाहिद इकलौती वजह ये कि उसमें दरारें आ जाती है वो ना वो जो क्रैक्स आ जाते हैं ना आपकी पेंटिंग बनने के कुछ टाइम बाद या उसे कैनवस से उतारने के बाद उसका इकलौता वाहिद ओनली रीजन यही है कि आप या तो बहुत मोटा मेंशन लगाएं अब ये देखिए अगर कोई मिक्स नहीं हुआ तो थोड़ा सा अब जनाब आप इसे देखें कोई शख्स मानेगा कि ये ब्रश के साथ ग्राउंड लगी है। अब इसको कुछ कलर था अच्छा अब इसको हम कुछ देर के लिए रोक देते हैं। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा ना क्या सर ये जो मैं बिस्मिल्लाह लिख रहा हूँ ये आपको दिखाई नहीं दे रही होगी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी ना जी सर लेकिन ये अभी क्लियर हो जाएगी ठीक है और आपने ये जो इसमें मैंने ब्लू में स्काई ब्लू में बहुत नॉमिनल सा वो डाला है क्या ग्रे ठीक है आपने ये देखना है कि हम इसको कैसे कंप्लीट करते हैं और स्लोली बट श्योरली इसमें हम थोड़ा थोड़ा काम करते ग्रे ऐड करते जाएंगे ताकि ये थोड़ा सा दिखने वाला सीन हो जाए जी सर ठीक है ना राइट सर
अच्छा राइट, तो फिर राइट अच्छा जनाब, जी आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा? अच्छा देखिए, चले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये हम इनसाइड वर्क कर रहे हैं, जी सर। यानी कि इसको हम दे क्या करना है कि हम दे इसे सर इसको इनसाइड में ले जाना है और इसके ऊपर विजिबल कैलीग्राफी करनी है। आप हम दे, अल्लाह आपका भला करे, अभी इसको हम दे आप कैलीग्राफी में लेके जाना है। अच्छा आपको पता है कि अब हमें कौन सा कलर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे सर? कौन सा करना चाहिए आप बताएं? कहाँ पे सर? इसी पे, यहाँ पे, कहाँ पे? खैर अब हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, एक पेंसिल दीजिए जल्दी से। सर व्हाइट? नहीं ब्लैक नहीं, नहीं नहीं सर, काम नहीं पेंसिल, नहीं पेंसिल मुझे, या चौक पेंसिल। दे रहे, चौक दे रहे एक बिग साइज। सर आप पहले टॉस कर आपको लें। बड़ा एक अमेजिंग जो है ना कंपोजिशन दिखाता हूँ। वाह अच्छा जी, ये और ये, ठीक है ये। दिस इज ब्यूटीफुल अच्छा सर। जी एक और जी उफ। नहीं एक ही थोड़ी लो, ये तो एक बकायदा से सीक्वेंस होगा एक कंपोजिशन होगी, ये इसके माशाल्लाह। बराबर, तो ये इसके बराबर होगी, ये होगा ठीक है। और हमने कैलीग्राफी टोटली इसी एंगल पे करनी है। अच्छा आपको पता है यहाँ से मार्कर जो है ना वो इसके नीचे से थोड़ा थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट लाइन हम ये देखेंगे, अब ज़रा चेक करें, ठीक है। अमेजिंग काम अब शुरू होगा। और इस पे हम राइटिंग कौन सी करेंगे आपको पता है? जल्दी से बता सर लें, जल्दी से, जल्दी से, पता है आपको कि सुल्स सुल्स नहीं इस, वो तो जो भी करें, सोच या कूफी की या दीवानी या मॉडर्न या, अच्छा कलर का पूछ रहे हैं। हाँ जी, वनीला कलर और ऑकर, ऑफ वाइट टाइप जो कलर होता है ना, यानी ऑकर में वाइट डाल के, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना उनको अच्छा इस पे हम लिखेंगे क्या बाय द वे? अच्छा आपको इसके तरीका कार पता है कि ये जब आप ऐसा हाफ रेडियस या क्वार्टर रेडियस बनाते हैं तो आप उस पे राइटिंग कैसे करते हैं, उसका क्या उसूल होता है? जी सर। क्या क्या आप सर बताएं? अलिफ सारे सेंटर में जाते हैं, हाँ वो जो एक आपने ख्याली सा सेंटर ये ले सेंटर लेना। ये है, अब आपने सारी ये इस तरफ से जो भी लंबे अलिफ लाम वाले अल्फाज होंगे ना वो इसको टच करेंगे, जी सर आप और ठीक। क्या पूछ रहे हैं? और तो अभी मैं कुछ नहीं पूछ रहा, अब मैंने यानी मैंने आपके सवाल का सही जवाब दिया। हाँ हाँ सही है, वो तो इतना तो आपको मैंने इतना बताया है, तो आप भी अगर आपको नहीं पता चल रहा तो बेटा सर फिर किसी स्टूडेंट ने बड़ा आप अच्छा वो लिखा हुआ था ना सर, वो मेरी जो वीडियो पे कहाँ। कहते सर आपने ना अपने प्रोड्यूसर को बहुत अच्छा ट्रेन किया अच्छा गुड, है। अच्छा 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 मैं इस पे लिखूंगा क्या,
क्या लिखूंगा जी सर? सर अलहम शरीफ जी, सूरह फातिहा। आप भी इस बात का ख्याल नहीं रखना कि कलर लाइट हो रहा है कहीं से डार्क हो रहा है, ये आपकी इश्यू नहीं है, यही तो इसकी खूबसूरती है, ठीक है? और आप कोई सवालों जवाब भी कर रहे हैं बेटे, ताकि वो फिर ना काफी यू नो आपसे अच्छा तो कोई भी एक्सप्लेन नहीं, नहीं बात मेरे से अच्छा अल्लाह माफ करे ऐसी तो बात नहीं हरगिज, लेकिन कोई क्वेश्चन आंसर्स चलते रहे ना तो वो जरा से ना अच्छा रहता है। थोड़ा सा एक टेम्पो बना रहता है यू नो कि सर इसमें कोई लाइक ऐसी कंपोजिशन आएगी या कुछ ऐसा आएगा जिससे ये बाकायदा सर्कुलर शेप में रहेगा? नहीं, मैं इसको सिर्फ राइटिंग से ही वो करूँगा प्रोमिनेंट, एक ऐसी शेप देंगे सर्कुलर। जी 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 बिल्कुल, उसके बाद ये चौक जो है ना ये मैं रिमूव कर दूंगा। जी सर, सर व्हाट्स द रीजन बिहाइंड हैविंग दीज गैप्स? गैप के बगैर नहीं हो सकता क्या ये गैप? नहीं नहीं, ये तो फिर साथ जोड़ जाएगा ना, ये तो आपके पास एक बाउंड्री है कि आपने लेटर कितना बड़ा रखना, समझ आई? जी सर। कि आपने सर माशाल्लाह कैलीग्राफी आपकी बहुत अच्छी है। हाँ अच्छा, लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छी नहीं। अच्छा, ये आपको अब पता चला है? नहीं सर, कि मेरी कैलीग्राफी अच्छी नहीं है। नहीं सर, मेरे से अच्छी नहीं है। हाँ, ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं कोई ऐसा मौका ढूंढ रही थी जहाँ मैं बता सकूँ। अच्छा अच्छा, नाउ आई गॉट दिस चांस। सर कभी कभी मेरे जहन में भी कोई सवाल नहीं आता कोई। हाँ, लेकिन नहीं, मैं जब ऐसा काम कर रहा होता ना तो फिर मेरी कोशिश होती है कि आप थोड़ा सा। सर क्लास में तो ऐसा टेम्परमेंट होता है, स्टूडेंट सवाल पूछते हैं फिर उनके लंबे लंबे तकरीरें करके जवाब देती हूँ। हाँ जी, लेकिन यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, जो चीजें जब तक बैकग्राउंड बन रही थी ना उसमें कुछ सवाल थे, लेकिन कैलीग्राफी में बस मैं यही बोल सकती हूँ सर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन आपसे अच्छा मैं लिख सकती हूँ, सर आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं लेकिन आपसे अच्छा मैं लिख सकती हूँ। You can see. ये ब्रश कहाँ से लिया है आपने, कितने का लिया ये है? चाइना का ब्रश है भाई, ये दी हालत है, एक अंदाजा नहीं होता के सर आपके जैसी हालत है। हाँ बिल्कुल, मेरे जैसा बड़ा बुरा। सॉरी सर। हाँ ये बात तो है, तो ये ना अल्लाह आपका भला करे, आमीन। सर
कि आपको ना अच्छा अब आप देख लें कि आपने करना क्या है, ये ज़रा आप देखते जाएं। ये अलिफ इनको सारे को ना वो कर रही है, कंटिन्यू कर रही है, राइट सर, ठीक है ना। तो ये जो है अल्लाह आपका भला करे आमीन। सर खत आप सुलस लिख रहे हैं, सर ये साइज क्या है, ये जो आपका गैप है? एक मिनट बेटा मैं ना, एक दो तीन, सर 3 इंच है ये वाला साइज, ऑलमोस्ट इतना ही है, राइट। अच्छा सर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी चीज दायरे से बाहर ना जाए? तो डेफिनेटली बहुत है, जब मैंने एक चीज कंपोज की है तो फिर मुझे इस चीज का तो ख्याल रखना पड़ेगा कि कुछ भी ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे हालांकि मैंने कुछ, जब आप ऐसे काम कर रहे होते हैं तो कुछ उसूल भी आपको थोड़े से छोड़ने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपकी कलाकृति देखनी है कि लाइक आप इसको कैसे इतनी सी स्पेस में कवर करते हैं, बिकॉज मैं तो नहीं कर पाऊंगी कभी भी। मैंने आपसे कहा भी तो नहीं ना कि आप करें, मैं तो कर लूंगा। सर ये तो बेइज्जती है, ये तो होगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता क्या करिए, थोड़ा थोड़ा सा स्काई ब्लू भी, और वो जो है ना ट्विन शेड हो जाएगी ना, इंटीग्रेटेड ड्यूल शेड हो जाएगी ना, तो मजा आ जाएगा जरा। राइट सर, हां देखिए ये आपको पता है इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? एक उससे ऊपर ही होगा मेरा ख्याल, 12:49। अच्छा स्टूडेंट, सर ने आपका एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि सर आप ट्रेसिंग के लिए क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, ये सवाल लाइक पिछले एक साल से पूछा जा रहा था। लेकिन वो ट्रेसिंग की हमने वीडियो तो बेटा बना दी है। जी जी सर, मैं वही दस रही हूँ सर, मेरी तो सुन लें। अच्छा जी स्टूडेंट्स, दूसरा आपका सवाल ये था, स्टूडेंट्स आपने बुरा नहीं मनाना सर, आपको पता है मेरे फादर भी हैं और मेरे टीचर भी हैं, और यू नो इतना हमारा मजाक आपस में है, ठीक है, और क्योंकि आपके भी सर हैं तो आप ये ना समझें कि शायद ये यू नो थोड़ा सा रूट कर हो रही है, अल्लाह माफ़ी दे, मुझे इसका गुनाह होगा अगर मैं ऐसा करूँगी। तो क्या बताया थी सर ने, और दूसरा आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि हम ओल्ड कैनवासेस को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको भी हमने कवर कर लिया है, फिर भी हमारे जहन में अगर कोई आपका सवाल आया या हमें सर्च के दौरान आपका कोई ऐसा सवाल मिला जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछते होंगे और उसका जवाब अभी तक हमने नहीं दिया होगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को उसी टॉपिक पे वीडियो आएगी। अदरवाइज आप में से किसी स्टूडेंट का कोई ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब हमने नहीं दिया अ पार्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस, के कैनवस साइज क्या है, कलर कौन सा यूज़ किया है, ब्रश का ब्रांड क्या है, या ये वो जिन चीज़ों का जवाब हमने कहीं ना कहीं दिया है, या कोई एक छोटा सा टॉपिक है जिसका जवाब नहीं भी देंगे तो चलेगा, ऐसे सवालों के अलावा जो यूजफुल टॉपिक हैं कोई, या फिर ऐसे टॉपिक हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं दिया, वो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। इसके अलावा रवि, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्शन, सर आप करें तो मतलब आई एम सॉरी, और मैं करूं तो आप कहते हैं आप बोलोगे। लेकिन मैंने ना इस संडे को सोच रहा था कि आपके चैनल पे एक लाइव सेशन, हाँ सोच है सर आपकी, मैं कहती हूँ आपने ऐसी इंटरप्शन बार बार किया करे सर, माशाल्लाह ये जो एक सेशन है ना इसमें हम एक पेंटिंग बनाएंगे रवि, और कुछ ना अजीबो गरीब यानी फर्स्ट टाइम ही ट्यूटोरियल होगा आपके इसपे ना, मैंने जो बात कहूँ ये नहीं मानते हैं ना, ये इनकी मोहब्बत का अंदाज है कि ये वो बात कभी नहीं मानते जो भी मैं कहूँ। यानी मैंने इन्हें कहा था कि रावी के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और
स्टूडेंट्स देख ले, सर ने कभी कभी लाइक इतनी दफा मुझे नहीं लगता अपने चैनल के लिए बोला होगा जितना मेरे चैनल के लिए बोला है। सर अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा दे, थैंक यू सो मच। लेकिन स्टूडेंट्स आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मैं सर को प्रेशराइज करती हूँ, सर अपने स्टूडेंट से बोला करें, सर अपने स्टूडेंट से बोला करें, सर सर कभी भी खुद से नहीं कहते ये चीजें, मैं सर को इसके लिए ना पोस्ट करती हूँ। मैं कभी अपने चैनल के तो मैंने शायद ही कभी बोला होगा आप हमारी वीडियो को चुके थले मारे, और तो मेरा मतलब मोबाइल को ना और वो करें और ये करें, लाइक शेयर फॉलो। मुझे इंशाल्लाह ताला आज एक यूट्यूब पे मेरे एक व्यूअर ने वो किया हुआ था, कमेंट किया हुआ था कि ये यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपने ये वो ट्रेसिंग वाला था। तो मैंने यही कहा था कि यूट्यूब की हिस्ट्री मोहम्मद अमजद अनवी के नाम से भी लिखी जाएगी। जब यूट्यूब लिखा जाएगा ना, मैं भी तो पुकारा जाऊंगा, रहने दे सर, रहने दे प्लीज, रहने दे। उस वक़्त शायद हम ना हो बल्कि यकीनन हम नहीं होंगे, हमसे मुराद मैं अपनी बात करूं, अल्लाह सबको सलामत रखे आमीन। तो YouTube जब भी लिखेगी ना तो ये ज़रूर लिखेगी कि पाकिस्तान में से एक क्या सर, अगर आपकी वीडियो मुझे भी सर बहुत नींद आ गई, सुबह जल्दी उठ गई थी, सो जाओ सो सर, आपकी वीडियो अगर पीसा अवार्ड में से किसी ने देख ली तो उन्होंने नेक्स्ट कैटेगरी बना देनी है बेस्ट कंटेंट क्रिएटर, आर्ट कंटेंट क्रिएटर बेसिकली, क्योंकि बेस्ट कंटेंट तो डेफिनेटली सबको पता है कौन लोग बनाते ऐसे, हैं ऐसे, ऐसे, नहीं होता सर, नहीं ये अल्लाह चाहे तो जो भी चाहे तो हो सकते हैं ना, लेकिन पता है क्या, आप भी काफी समझदार हैं सर। अच्छा सर, मैं आपको बातों में नहीं लगाती वरना मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा जी, अच्छा जी, अब देख ले, मेरे जहन में था कि मैंने यहाँ पे अलिफ लिखनी है, ठीक है, तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छा जनाब। सर मेरा एक चीज को बहुत दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है सर मैं अपनी कोई पुरानी सी पेंटिंग की तस्वीर ढूंढूं। स्टूडेंट्स जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना लाइक 7 साल पहले, लाइक डिशेयर, नहीं सर क्या बोलते हैं कबड्डस के कमेंट्स, नहीं वो कमंडस भी कोई बोलता था ना जी सर, वो मुझे याद नहीं है सर, नहीं बस छोड़ दे, ओह सॉरी। अच्छा सर मैं क्या बता रही थी सर, जी मैं बता रही थी कि स्टूडेंट जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना तो तब मेरे पास फोन भी नहीं था और सोशल मीडिया का तो मुझे पता ही नहीं था। सोशल मीडिया मैंने आई गेस ज्वाइन किया है 2017 में और सर ने चैनल बनाया है 20 में, उससे पहले सर फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव रहते थे, इंस्टाग्राम पे बहुत कम एक्टिव रहते थे और ट्विटर पे सर सारा दिन सिर्फ पॉलिटिक्स करते थे 2016-17 से, और इसीलिए मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। 2017 में आया मेरे पास मोबाइल आई गेस, तो उस दौरान मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा अपनी पेंटिंग को ना, लाइक पुराने मेमोरी कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये काम मस्ट करूंगी और अपने चैनल पे करूंगी, सीधी सी बात है भाई, जिसको भी देखना है ना वो मुझे जाके सब्सक्राइब कर ले। मैं अपनी पुरानी पेंटिंग्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं ना लाइक बनाती थी 2020 से पहले का जो भी काम है ना वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो 2020 में मैंने आपके साथ जो शेयर किया वो आपने देखा हुआ है, मैं तब से ही शेयर कर रही हूँ जब से सर का चैनल बना हुआ है, लेकिन उससे पहले का जो इनिशियल डेज का काम था वो मैं शेयर करूंगी। अच्छा एक चीज़ मुझे लगता है कि मेरे काम में जो नीटनेस है वो बहुत जल्दी आ गई थी और ऑनेस्टली उसका एक इकलौता वाहिद रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाती थी। अगर सर अगर क्या सर को मस्त याद होगा मैं दिन में 4-4 पेंटिंग्स भी बनाती थी,
इतना लाइक मैंने काम किया है कि मैं एक दिन में चार चार पेंटिंग्स भी बनाया करती थी, और डेली बेसिस पे लाइक मैं इतना काम करती थी। तो डेफिनेटली जब आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है तो फिर आपके हाथ में सफाई आ ही जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी जो मेरी गुड लक थी वो ये थी कि मेरी प्रैक्टिस भी सेल होती थी, सर उसी में मेरी इस्लाह करते थे, उसी में सर लाइक उसको यू नो उसको ठीक करते थे अगर कहीं पे कोई एरर होता था। और प्रैक्टिस मेरी थी, कोई चीज़ दूसरी ऐसी नहीं थी जो मैं कहूँ कि कुछ अनोखा था या मेरा हाथ बिल्कुल इतना नीट था, हरगिज़ भी नहीं। बस ये था कि सर को देख देख के मुझे पता चल गया था कि कौन सा काम कैसे करना है, और प्रैक्टिस मेरी इस कदर थी कि लाइक अगर अभी हमारे जैसे स्टूडेंट्स अपनी पेंटिंग शेयर करते हैं तो वीक में कोई एक पेंटिंग बना रहे हैं या वीक में कोई दो पेंटिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ये था कि मैं डे में तीन तीन चार चार पेंटिंग बनाती थी, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी पेंटिंग्स मैंने बनाई होंगी। और माशाल्लाह मुझे तकरीबन 7 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर को प्रॉपर वे में ज्वाइन किए हुए। उससे पहले मैं सिर्फ सर को हेल्प करती थी, असिस्ट करती थी लीफिंग वगैरह में या प्रिपरेशन में, थोड़ा डिज़ाइनिंग में। डिज़ाइनिंग में शुरू से ही मेरा हाथ थोड़ा नीट था क्योंकि मुझे मेहंदी का शौक था। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ जी, आप लोगों को इसीलिए सर बोलते हैं, मुझे अंदाज़ा है कि आप लोग कहेंगे कि हमारी तो प्रैक्टिस सेल नहीं होती और हमें लाइक मेरी प्रैक्टिस भी ऐसी हुआ करती थी। मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको आइडिया होगा, जिसमें मुझे लाइक सर ने हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई थी। तो इसीलिए सर आप सबको बोलते हैं कि आप लोग अपनी पेंटिंग्स पे अगर इतना सर्व डेफिनेटली नहीं कर सकते, आजकल तो मटेरियल भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उस वक्त अगर मुझसे कोई पेंटिंग होती थी, ऐसा नहीं है कि मुझसे कभी कोई पेंटिंग ख़राब नहीं हुई, डेफिनेटली मेरे काम में एरर आते थे। इनफैक्ट मुझे सर से डांट भी पड़ जाया करती थी कि इतनी दफ़ा समझाने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, या आज भी ऐसा होता है कि सर को मेरा कभी कभी कोई काम पसंद नहीं आता और उस पर मेरी यू नो अच्छी खासी क्लास भी लग जाती है कि इतना बताने के बावजूद भी तुम लोगों को एक चीज़ समझ नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, गलती मुझसे होती थी, आज भी हो जाती है। और आप सबको सर इसीलिए बोलते हैं कि कैनवस के ऊपर, वाइट कैनवस पे, ब्लैक कैनवस पे या वॉल पे वेट ब्रश के साथ प्रैक्टिस किया करें। बॉल पे पानी लेके, एक ब्रश लेके, और अपनी जो कैलीग्राफी है, जो अरबिक कैलीग्राफी है, लाइक जिसमें जो किसी भी फॉन्ट में हो, स्पेशली सोल्स हो गया या कोई भी फॉन्ट हो गया, उसके हरूफ तहजी प्रैक्टिस किया करें। उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लिखने से हमारे हाथ में सफाई आ जाती है। मेरी एक स्टूडेंट हैं, उनका आर्ट की कोई बैकग्राउंड नहीं है कोई भी, मैंने उनको इंसिस्ट किया कि लाइक वो आर्ट को ज्वाइन करें क्योंकि उनका जो उनकी जो सिस्टर्स हैं उनमें आर्ट का शौक भी है और उनमें कुछ टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स भी हैं। तो मैंने उनको बोला कि अगर आपकी सारी फैमिली किसी ना किसी तरह के आर्ट को लेकर चल रही है तो आपको भी चाहिए कि आप अपना टाइम आर्ट को दें और इसे सीखें। उनको बिल्कुल किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। उनकी प्रैक्टिस मस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसका मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का वर्क शेयर करूंगी, अपना इनिशियल डेज का वर्क शेयर करूंगी, और अपनी उन स्टूडेंट का मैं स्पेशली इसलिए करूंगी क्योंकि उनको मैं पर्सनली जानती हूँ कि उनका आर्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं था इससे पहले। तो मैं आपको उनकी इम्प्रूवमेंट दिखाऊंगी कि 3-4 प्रैक्टिसेस के बाद, ब्रश की उस टेक्निक को यूज़ करने के बाद, उन्होंने कितनी नीटनेस लाई है अपने हाथ में। आप सब जो कैनवस पे काम करते हैं, डायरेक्ट कैनवस पे काम करते हैं, जहां आपके हाथ में सफाई आने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक महीना लगेगा, वो डेफिनेटली उतनी पेंटिंग्स भी आपको चाहिए होंगी, 10, 20, 30, 50। इतनी पेंटिंग्स के ऊपर प्रैक्टिसेस करने की बजाय या इतनी पेंटिंग के ऊपर हाथ साफ करने की बजाय आप क्यों ना एक ऐसा तरीका लें जो बहुत इजी है, उसके बाद जब आप पेंटिंग बनाएंगे तो बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनेगी। हमारी इस्लामिक कैलीग्राफी पेंटिंग्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है,
100 में से शायद 3 लोग ऐसे होंगे जो पेंटिंग खरीदते वक्त कैलीग्राफी का ध्यान नहीं रखते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी 97 लोग इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि पेंटिंग में जो कैलीग्राफी है वो कितनी नीट है, ठीक है। तो आप सब भी इस चीज को मेक श्योर करें कि देखें आर्ट आज नहीं तो कल आपका सेल होगा, ठीक है। जिस तरह के काम आप करते हैं कि लाइक पेपर्स पे बना के उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यू नो एक दो पेंटिंग्स बनाई हैं, कोई आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है, कुछ पता नहीं है, दिल से कलर नहीं लगाए, कुछ कोई नॉलेज नहीं है, बस बनाई है और ये टेंशन है कि इसको हमने सेल करना है, ठीक है। इससे आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो वहीं पर रुक जाएगा। अपनी पेंटिंग्स के ऊपर ज्यादा टाइम देने के बजाय अपनी कैलीग्राफी के ऊपर ज्यादा टाइम दिया करें, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर कैनवस के ऊपर बहुत प्रैक्टिस किया करें। इस चीज को बिल्कुल छोड़ दें कि आपकी पेंटिंग सेल होगी या नहीं होगी, ठीक है। वहां उस दिन जरूर पेंटिंग सेल होगी। कोई एक स्टूडेंट में मुझे अपनी ऐसी पेंटिंग दिखाएं जिन्होंने बहुत अच्छी कैलीग्राफी की और वो बोले कि उनकी पेंटिंग सेल नहीं हुई, ठीक है। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो पेंटिंग लाऊंगी और पब्लिक से पूछूंगी कि क्या इस पेंटिंग में कोई ऐसा एरर है जिसकी वजह से ये सेल नहीं हो रही। खुद आर्टिस्ट जब एक अरसा हो जाता है उसे काम करते हुए तो उसके अंदर एक जज आ जाता है। ऑनेस्टली मैंने जब काम स्टार्ट किया था, बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद जब मुझे थोड़ा बहुत आर्ट का पता चलने लगा था तो फिर मुझे खुद पता चलता था कि कौन सा कलर कहाँ अच्छा नहीं लग रहा, उसे मैं खुद से बदलती थी। फिर मुझे खुद पता चलता था कि कैनवस पे कौन सी चीज़ थोड़ी बड़ी लग रही है, उसे मैं चेंज करती थी। फिर मुझे खुद पता चलता था कि कौन सी कैलीग्राफी मैंने कहाँ पे बुरा लिखा है, ये चीज़ थोड़ी ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज थोड़ी ऐसे होनी चाहिए थी। एक एक चीज मुंह से बोलती थी, ये मैंने फील किया है कि एक एक चीज खुद कहती थी मुझे यहां से बदल दो, मुझे यहां से बदल दो, मुझे यहां से उठा दो, रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो, वॉट एवर। आर्ट खुद बोलता था मुझसे और अल्हम्दुलिल्लाह आज कल जो चीजें होती थी वो पेंटिंग पे अप्लाई होने के बाद होती थी। आज चीजें खुद बोलती हैं कि यहां मुझे ऐसे कर दो। एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। एंड इस चीज में आपको सिर्फ एक्सपीरियंस की ही जरूरत है। तो आप सबको एक्सपीरियंस कब आएगा? जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कब होगी? जब आपके पास बहुत ज्यादा कैनवस होंगे। अगर बहुत ज्यादा कैनवस नहीं है तो बहुत ज्यादा वॉल यूज करें, लेकिन उसके ऊपर अल्लाह के नेम ना लिखे। मेरी जो स्पीच है वो काफी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आप सबको मोटिवेट करने के लिए ये सब कुछ कहा है। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप सब नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। अगर मेरी वो स्टूडेंट कर सकती हैं, ऑनेस्टली मैं लेडीज हैं तो इसलिए उनका नाम मेंशन करना नहीं मुनासिब समझूंगी, लेकिन काम जरूर उनका शेयर करूंगी। अगर 3-4 प्रैक्टिसेस के बाद वो इतनी इंप्रूवमेंट ला सकती हैं जिनका कोई आर्ट का बैकग्राउंड नहीं है, तो आप सब जो शौक रखते हैं वो जरूर कर सकते हैं। वो सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि वो टाइम पास कर सकें, लाइक जो वो फ्री टाइम है उनका वो किसी हेल्दी एक्टिविटी में स्पेंड कर सके, सिर्फ इसलिए वो आर्ट को उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उनका आप सब तो ऐसे हैं जिनका शौक है बकायदा, तो जिनका शौक है उनको मस्ट चाहिए कि वो इसको टाइम दें। और सर ने क्योंकि मुझे कहीं पर इंटरप्ट नहीं किया, इसका मतलब है सर भी मेरी बात से सहमत है, यानी अग्री करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, आप सबको मोटिवेट करने के लिए मेरे पास इतने ही सब अल्फाज थे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मोटिवेशन आप सबके काम आएगी। पेंटिंग्स आपकी ज़रूर सेल होंगी। अपनी कैलीग्राफी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छी बात है, ठीक है।
ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे जो भी ऑनेस्टली क्लाइंट्स मिलते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, लाइक सोशल प्लेटफॉर्म का नाम मैं ले लेती हूँ ताकि आप सबको कोई कंफ्यूजन ना रहे, उसमें इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, ठीक है, और टिकटॉक भी आ जाता है कई हद तक, टिकटॉक से भी जो है वो फैंस आते हैं और वो अपनी पेंटिंग्स बनवाते हैं। तो वो सब सिर्फ मुझे आके यही कहते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा लेकिन कैलीग्राफी हमें सबसे ज्यादा आपकी पसंद है। तो इस चीज से मुझे आइडिया होता है कि जी इसका मतलब है कि जो चीज सेल होती है हमारी कैलीग्राफी पेंटिंग्स में, लाइक इस्लामिक कैलीग्राफी में, वो अच्छी और प्यारी कैलीग्राफी है। और वही बात कि तीन लोग आपको ऐसे मिलेंगे 100 में से जो कैलीग्राफी की परवाह नहीं करेंगे, बाकी 97 ऐसे होंगे जो जानते होंगे कैलीग्राफी को, पसंद करते होंगे कैलीग्राफी को, और वो इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे कि आपने कैसे लिखा है। इनफैक्ट कभी कभी मैं देखती हूँ कि मेरे बायर्स को नकात का भी पता होता है, इतना भी मैंने फील किया है, और उनको इतना भी आइडिया होता है कि नकात क्या चीज है, और उनको फॉन्ट्स का पता होता है। तो जो आर्ट लवर है वो इन चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आपको कोई क्लाइंट नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि आपको अपने काम को देखने की जरूरत है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्यारा प्यारा काम किया है। सर ने रिसेंट जो अपने स्टूडेंट्स का काम शेयर किया है उसमें सर के कुछ एडवांस बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर के दो दो तीन तीन कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं। तो वो अपनी पेंटिंग, एक ही पेंटिंग को तीन तीन दफा रिक्रिएट करके पाकिस्तान में ही सेल कर चुके हैं। तो जो, आप ये जो यूएस और ओवरसीज है, कनाडा, और रिसेंट हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह यूएस से और कनाडा, यूके, मिडल ईस्ट से काफी काम जो है ना वो सेल आउट किया है। सर स्टूडेंट्स एक चीज बोलते हैं ना कि वहां पे तो क्लाइंट मिल जाते हैं, वहां पे तो ऐसे है, वहां पे तो वैसे है। मैं आपको इसीलिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का बता रही हूँ कि उन्होंने एक पेंटिंग को तीन तीन दफा रिक्रिएट किया है हमारे दोस्त दो तीन स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अच्छा तो स्टूडेंट हम इसे अब करेंगे वाइंड अप। वाइंड अप करने के लिए मुझे पहले इस पर वाइट कलर से बिस्मिल्लाह लिखनी चाहिए। तो मैं अभी देखता हूँ कि ये हम इसको इंशाल्लाह ताला ऑरेंज को डबल कोट कर देंगे। ये ऑरेंज आप इसे डबल कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसलिए फिर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे हम वाइट कलर से बिस्मिल्लाह लिख देते हैं। वैसे हमने बिस्मिल्लाह लिखी है लेकिन ये अल्लाह का नाम है, जितनी बार मर्जी लिख दिया जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे और आपको बता दूँ कि मेरा ब्रश वही है जिससे मैंने ये एक ही ब्रश से मैंने सारी कैलीग्राफी पेंटिंग बनाई है, कुछ चेंज नहीं किया। फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क है कि मैंने अपने हाथ पे कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई की है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे ये कर लूँगा ताकि ये ऑरेंज पे थोड़ा विजिबल हो जाए। ठीक है जनाब, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने, अल्लाह आपका भला करे आमीन,
एक ही ब्रश से आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। और आप कोशिश किया करें, अब आप माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हो गए हैं ना, तो कोशिश किया करें कि आप कैलीग्राफी जो है ब्रश से किया करें, वो उस पर कैनवस पे, मार्कर से ना किया करें, क्योंकि मार्कर एक ऐसी जर्नी थी आपके लिए कि जो आपको सिर्फ इब्तदा में इनिशियली सिखाने का मकसद था, ठीक है। अदरवाइज वो अब आप तो माशाल्लाह बहुत उस्ताद हो गए हुए ना सर, तो आपको चाहिए कि आप वो करें, ठीक है, ब्रश के साथ दिखा दें। हाँ अच्छा, ये थोड़ा सा ना ड्राई हो जाए, इसको हम उंगली से उठा देते हैं, ये थोड़ा मोटा कलर है। और जनाब यहाँ से हम इसे, ये मैं बाद में ना वाइट क्लियर कर दूँगा, आपने बस ये नोट रखना है कि ये जो ऑरेंज है गीला है, तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी इसलिए मैंने सोचा कि इसको हम थोड़ा सा स्किप मोड में बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो एरर्स हैं ना छोटे छोटे, इसका मतलब ये है कि हम इसे डबल कर देंगे, ठीक है ना। हाँ बस आपने इसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है कि ये जो है, अल्लाह आपका भला करे, कैलीग्राफी ब्रश से करें बेटा सब स्टूडेंट, एक बात अपने जहन में ले आए कि कैलीग्राफी जो है, जब तक आप ब्रश से नहीं करेंगे ना, आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट कैलीग्राफर नहीं बन सकते। तो इस सब के लिए आपको पहले जो है ना वो ब्रश से कैलीग्राफी करनी है, ताकि आपको बहुत अच्छा सा, अच्छा ये मैं थोड़ा ना जल्दी जल्दी कर लूँ, क्योंकि यू नो मुझे भी एहसास है कि काफ़ी वीडियो लेंथी हो गई है, तो अब आप चाहें तो इसको वाइट को डबल भी कर लीजिएगा, ठीक है। और अब हम इसे करते हैं जनाब एंड, और आप इसे जो इसमें कलर स्कीम, जो इसमें एडिशन, जो कंपोजिशन जो करना चाहे वो कर सकते हैं। हमारी पेंटिंग का साइज़ है ऑलमोस्ट 24x30 inches, ठीक है। तो अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, आमीन सुबह आमीन। अब एक नज़र आप इसे देख लीजिए, ये देखिए ये है हमारी पेंटिंग, ठीक है। ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।